मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्विक एंड कम फोन लो कमिंग ब्रिज कुमार प्रेजेंट सर इन हिंदी क्लास। नवीन मीना प्रेजेंट सर। चल रहा है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देख लीजिए लेसन 17 लेसन भीम और हनुमान सुनो पार्ट 17 पेज नंबर 42 पेज है 45 पेज नंबर 45 पेज 45 पेज नंबर 45 लेसन आपके सामने रखा जाएगा। भीम और हनुमान किस प्रकार से इन दोनों का मिलन हुआ एक दूसरे गुड मॉर्निंग सर। हाँ एक दूसरे को जाने पहचाने। देखिए पाठ की शुरुआत सुहावना मौसम था। सुहावना मौसम था लेजेंड सुहावना मौसम था। सर हमें लिखना है क्या? नहीं द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। घटना है इतने में एक सुंदर फूल उसके पास हवा में उड़ता हुआ आ गिरा। फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने उसे उठा लिया। भीमसेन के पास जाकर बोली क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा मैं कुछ अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ मतलब बीमार हूँ मैं। सर वो हनुमान जी थे। बिल्कुल सही इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो भीम ने कहा है। बंदर बोला देखो भाई मैं बूढ़ा हूँ कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है यदि तुम्हें आगे
पढ़ना ही है तो मुझे नाम कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को डांगना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में डांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े कड़ों स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। इस प्रकार से भीम ने हनुमान ने भीम की परीक्षा बल की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भीम को अपने बल पर बड़ा गर्व था। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उसने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। ताज्जुब आश्चर्य, ताज्जुब उर्दू का शब्द है, ताज्जुब है ना, आश्चर्य, ताज्जुब है ना, ताज्जुब आश्चर्य है ना, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, लज्जित निराश, भीम बड़ा लज्जित हुआ, लज्जित निराश। भीम बड़ा लज्जित हुआ, निराश हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। गर्व मतलब घमंड, गर्व घमंड चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। विस्मय आश्चर्य, यहाँ पर विस्मय का अर्थ आश्चर्य, और सर ताज्जुब का भी मतलब आश्चर्य। बिल्कुल सही, वो तो आप जान ही गए, इसीलिए तो हमने है ना, उसका भी आश्चर्य है। यदि भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, श्रद्धा मतलब सम्मान का भाव था, बलिष्ठ मतलब ताकतवर, ताकतवर शक्तिशाली बलिष्ठ। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ, वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत मतलब झुककर सम्मान के साथ। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति हनुमान का नाम है, मारुति नंदन कहते ना, पवन पुत्र मारुति नंदन। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। ध्वजा मतलब जो रथ के ऊपर झंडी होती है, ध्वजा झंडी, ध्वज झंडा, अब क्या हो गया तो झंडी, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा, अब क्या झंडी जो रथ के ऊपर रहती है, किसी भी रंग की होगी। वह नम्र हो गया, मुझे तो रहूंगा, है ना, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले के सुगंधित फूल दिखाए। तीनों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया, याद आ गई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और बड़े वेग से आश्रम की ओर लौट चले। इस प्रकार हनुमान द्रौपदी के
लिए मैं सुंदर फूल ले आए और हनुमान उनके हनुमान से भी रास्ते में भेंट हो गई। यह वह प्रकरण था जिसमें भीम और हनुमान की मुलाकात हुई। एक दूसरे को परिचय देकर वे एक दूसरे से मिले। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध के समय मैं अर्जुन की कब्जा के ऊपर विराजमान रखूंगा और विजय तुम्हारी ही होगी। आने वाले भावी युद्ध में उनको एक नया आयाम मिल गया, नई शक्ति प्राप्त हो गई। जय प्रकरण था। ओके बोलो सर, हनुमान जी महाभारत में क्यों नहीं आए? कैसे कह सकते हैं क्यों नहीं आए, महाभारत में नहीं आए? अगर वो ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे तो वो ही आगे खेल खत्म कर देते कौरवों का। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी वैसे वो तो उस समय त्रेता युग था, पर वो ऐसी वाली बात है, त्रेता युग में थी वो तो। ऐसे बताते हैं ना, राम के साथ थे, राम काज करिबे को आतुर कहते हैं। प्रभु जल संदे को रसिया राम लखन सीता मन बसे। पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसमें जो भी प्रश्न ओके, जो भी प्रश्न इसमें आए हैं आपको वन बाय वन करके हम देंगे। सरकार तो आपके हो गए, ठीक है सर। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। यही मैं कहता हूँ, मैं हम समय देने को तैयार है, पर आप कहीं तो हो गए तो फिर हम सोचते हैं कि फालतू। नोटेड सर। नोटेड, ठीक है।
हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, सर साइड प्लीज। देखिए इस प्रकार से तीन प्रश्न अभी दिए हैं, इनको उत्तर आप लिख लीजिए। चौथा प्रश्न इसके बाद लिखा जाएगा। तीन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवा दिए गए। बोलो सर, ये नाहक तो मृत्यु को न्योता मत दो, इसका मतलब क्या होता है? नाहक मतलब अनर्थ, बिना किसी कारण के, अनायास, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के, अकारण, है ना? अकारण है इसका, अकारण, अकारण, बिना किसी कारण के,
यहाँ पे नाहक अर्थ बिना किसी कारण के लिए है। तीन प्रश्नों के सर प्रश्न एक मिनट आके प्रश्न चार लिख दीजिए। नहीं आपका सभी काम साफ सफाई से होना अति आवश्यक है। धीरे धीरे लिखें, सही लिखें, साफ लिखें। चौथा प्रश्न लिखा जाएगा अभी सर, दो मिनट। हाँ करो करो। नोटेड सर। नोटेड डन सर। डन सर। अरे प्रश्न दो तक मिटा दीजिए सर। आप प्रश्न दो तक मिटा दीजिए। सर पूरा हो गया, आप पूरा मिटा दीजिए। यस सर, पता नहीं लास्ट वाला प्रश्न किसका नहीं हुआ होगा। हनुमान ने भीम को यह आशीर्वाद दिया कि तुम इस
इस मुकाबले में तुम जीत जाओगे। हनुमान जी ने भीम को यह आशीर्वाद दिया कि भीम महाभारत के युद्ध में जीत जाएंगे। हनुमान ने भीम को यह आशीर्वाद दिया कि वो अब से 10 गुना अधिक बलिष्ठ हो जाएंगे। बहुत सही। धन्यवाद सर। तथा वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर लहराएंगे। सही। चौथा प्रश्न आपका है, आंसर ठीक है। नोटेड सर। ठीक है, पांचवा प्रश्न आएगा, ठीक है, नीचे वाला ना पढ़ा जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। पांच प्रश्न नंबर 5। यस सर कंप्लीटेड। ओके। सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। नो सर सर एकदम सही आ रही है, एकदम फिट है सर, एकदम क्लियर है। वेरी गुड। भीम को बंदर की इस बात पर
क्रोध आया कि बंदर ने यह कहा कि वह बूढ़ा और बीमार है, इसलिए वो बार बार उठ और बैठ नहीं सकता है। भीम को इस बात पे क्रोध आया, छल कूद पर क्रोध आया क्योंकि वे बार बार उठ या बैठ नहीं सकता है क्योंकि वह बहुत मोटा है। भीम को क्रोध इसलिए भी आया क्योंकि वह भीम को उसको उलांगने की सलाह दे रहा था, जबकि किसी भी जानवर को उलांगना शास्त्रों में अनुचित माना गया है। धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न जो है आपको बताया गया, इसको आप करिए। ओके, करते रहिए। सर नवीन कुमार मीना हमेशा की तरह आपकी क्लास में प्रेजेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नोटेड सर। प्रेजेंट सर। हाँ जी, प्रेजेंट तो अभी देख लेंगे, आप करते रहो। नितिन कुमार प्रेजेंट सर। प्रेजेंट और एब्सेंट का डिसाइड हो जाएगा। प्रेजेंट तो कमी है वैसे इस क्लास में, वैसे टोटल 70 और 70 युद्ध में चिराग हमारा प्रेजेंट 9 है वैसे, लेकिन अभी तक यहां पे प्रेजेंट की संख्या बहुत ही 50% भी नहीं है, 21 थे 20 अभी प्रेजेंट बना, ठीक है, तो प्रेजेंट बहुत कम है। तो इसलिए आप कितने समय के लिए प्रेजेंट है यह भी नोट रहता है, 40 मिनट है या 45 मिनट है या 10 मिनट में आके चले गए, सारी बातें इसमें नोट रहती हैं, समझो। इसलिए आप सर आपको साथ इतना ही खराब है, जो समय इसका होता है नियत समय उसी के अनुसार आप क्लास में रहें, समझो, ये अच्छा है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें भी बताओ कि क्लास में आओ और सीखो, समझो, घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं है, समझो, काम करने से ही होता है, मन में इच्छा रखने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, जो उद्यमे नहीं सिद्धम की कार्याणि ना ही मनोरथे, परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं, मन में इच्छा रखने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, नहीं सुप्तस्य मो सर क्या आज आप इतना ही लिखाएंगे? हाँ, नहीं सुप्तस्य यस्य मुखे प्रसंति मुर्गा, जिस प्रकार से जंगल के राजा शेर के मुंह में सर कंप्लीटेड नहीं जाता, और मैं हमेशा आपकी क्लास में प्रेजेंट रहता हूँ। परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं, मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तो मेहनत सबसे बड़ा गुण है और आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। मेहनत भली लगती है उनको, काम प्यारा लगता है जिसको, ध्यान दीजिए। सर दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का शीशा मिरर आईना है ना,
पूरा कीजिए। सर हो गया, लीव कर सकते क्या क्लास? हाँ तो आप सुनिए पहले, इसके बाद जो हमने होमवर्क दिया है उसको आप पूरा करिए। गृह कार्य जो दिया गया है आपको, अपनी बेटा आपका हम अनिवार्य है। गूगल क्लासरूम में हमने होमवर्क सबमिट करके दिया है। तो मैंने हिंदी का सारा काम सबमिट कर रखा है। हाँ हिंदी का संस्कृत जो भी है वो समय से संस्कृत और हिंदी दोनों का सबमिट हो रहा है। हाँ जी सही है, जिसने नहीं किया उसके लिए बोला जा रहा है, कॉमन है ये, टू डेट के अंतर्गत आना चाहिए, उसकी संख्या बहुत कम है अभी तक। तो सर मैंने तो कब का भेज दिया सर, मैंने भी जिन्होंने हमें भेजा उनका हमने बहुत तो चेक करके रिटर्न कर दिया, लेकिन अब आए तक तो चेक करें, जब आएंगे तो चेक क्या करेगा, क्या आने के बाद ही चेक करके रिटर्न किया जाएगा, जिससे आप जिससे कि आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी, दोनों ही बातें गलतियाँ हो जाएगा, अभ्यास पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या हो गया सर, हमारा काम हो गया सर, आप मिटा सकते हैं? कंप्लीटेड? यस सर। यस सर कंप्लीटेड। यस सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड होगा तो अभी आप देखेंगे। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। अभी नहीं, अभी पहले काम शुरू करके दिखाओ। सर कैन वी लीव नाउ? ओके सर, थैंक यू सर। सर हमने मैंने पूरा काम कर लिया है, मैं लीव कर सकती हूँ? अभी नहीं, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा टाइम कंसाम ना, वहाँ को कहाँ जाना है? सर हम अपना काम शो करें क्या? अजय हाँ काम शो करिए सर, हम ये देखिए सही है बिल्कुल, शो करिए ऐसे ऐसे आपने किया भी सही बिल्कुल। वन बाय वन आप शो करते रहिए, जिससे बाद में कोई कठिनाई ना बने, धीरे धीरे आपका समय भी समापन की ओर है, समझो इस प्रकार से, ठीक है सर? दो मिनट में आपको शो कर रहा हूँ अपना काम। हाँ शो करो ना, वो तो अभी ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही है जरा, आप शो करिए, अभी बंद नहीं हुआ, हम शो करके देखेंगे आपका काम अभी तो।